नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बना हुआ ये आप एक असेंबली देख रहे हैं, ये एक बॉल बेयरिंग असेंबली है। मेरे साथ इससे पहले भी आपने इसे NIX इन्वेंटर, KTI और क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर बनाया, तो आज हम इसे बनाएंगे ऑटोकैड 3D पर। हालांकि ये बात देखने में बड़ी अजीब लगती है कि असेंबली और ऑटोकैड पर, लेकिन आपने इससे पहले भी वीडियो देखा है मेरे ही चैनल पर ड्रिल चक की असेंबली का, तो आज हम इस कंपोनेंट को भी असेंबल करेंगे। तो इसके लिए हमने चार अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं, ये आउटर रेस, इनर रेस, बॉल केज और बॉल्स। इन सबको हम अपनी अपनी जगह पर लाएंगे। बाकी सॉफ्टवेयर्स की असेंबली में और इसकी असेंबली में फ़र्क बस ये है कि इसमें हम बनाते जाएंगे और लगाते जाएंगे। बाकी में हम क्या करते हैं कि पहले बनाते हैं, उन्हें सेव करते हैं, फिर उन्हें असेंबली मॉड्यूल ओपन करने के बाद उन्हें कॉल करते हैं, उसके बाद कंस्ट्रेन अप्लाई करके लगाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम सीधे बनाते जाएंगे और लगाते जाएंगे। तो इसे हम बनाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये फाइल को क्लोज कर रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये वो स्क्रीन है जो ऑटोकैड के आइकन पर डबल क्लिक करने के बाद हमारे सामने आता है। हम यहाँ से डायरेक्ट 3D की फाइल ओपन करना चाहेंगे। टेम्पलेट पर क्लिक किया तो देखिए ड्रॉप डाउन में ये acad3d.dwt पर क्लिक करेंगे तो हमें 3D की फाइल मिलेगी डायरेक्टली। इस तरह से देखिए, इसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस नज़र आ रहे हैं। बाकी तो ये जो ऊपर की कमांड्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये 3D की कमांड्स हैं, इन्हें हम यहाँ से लेकर आएंगे। वर्क स्पेस स्विचिंग पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शंस आएंगे। जनरली जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपको ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन ही मिलता है, हम ये 3D मॉडलिंग अगर हमें करनी है तो हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ लेकर आएंगे तो हमें 3D की कमांड्स नज़र आएंगे। तो चलिए हम इसे बनाना अब शुरू करते हैं। तो पहले मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये फ्रंट, फ्रंट के बाद ये राइट क्लिक किया, पैरेलल, पैरेलल के बाद मैंने L टाइप करके एंटर प्रेस किया, इसके बाद 0.0 टाइप करके एंटर प्रेस किया और यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन किया। ऊपर की तरफ ले जाकर मैंने एक लाइन बना दी, कितने की, 50 mm की, 50 टाइप करके एंटर प्रेस किया और एस्केप दबाया, बाहर निकल आई। तो ये 50 mm की एक लाइन बन गई। यहाँ से मैं ग्रिड्स को ऑफ कर देता हूँ जिससे कि लाइन हमें प्रॉपरली विजिबल हो जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से फिर से लाइन में गए, ये एंड पॉइंट दिखने लगा, इस पर क्लिक किया, इस डायरेक्शन में आएंगे हम 106 और एंटर प्रेस करेंगे, एस्केप दबाकर बाहर निकल आएंगे कमांड से। इसके बाद हम एक रेक्टेंगल बनाने वाले हैं। देखिए रेक्टेंगल पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर क्लिक किया, डी टाइप करके एंटर प्रेस किया और टाइप किया 24 और एंटर प्रेस किया, इसके बाद टाइप किया 62 फिर एंटर प्रेस किया। तो ये एक 24x62 का रेक्टेंगल हमारे सामने आ गया। मैंने क्लिक किया कहीं पर और रेक्टेंगल कमांड से बाहर निकल आया। अब हम मूव पर क्लिक करते हैं। देखिए मूव, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, ये है मिड पॉइंट जो है हमारा बेस पॉइंट है, यहाँ से उठाया और यहाँ इसके एंड पॉइंट पर रख दिया इस तरह से। अब इसके बाद हम इस लाइन पर क्लिक, इसको सेलेक्ट करके इरेज कर देते हैं। फिर लाइन पर जाएंगे और ये मिड पॉइंट से इस डायरेक्शन में हम आएंगे, कितना, 16 mm, 16 टाइप करके एंटर प्रेस किया, कमांड से बाहर निकल आया। इसके बाद एक सर्कल बनाएंगे, सर्कल पर क्लिक किया मैंने, ये एंड पॉइंट पर क्लिक किया, इसके बाद रेडियस की वैल्यू आ रही है 48, सॉरी 24, डायमीटर की वैल्यू है 48। यहाँ से मैंने देखिए इसे इरेज किया, हम ट्रिम करेंगे, ट्रिम करने के लिए TR डबल एंटर, एस्केप दबाकर बाहर निकल आए। अब F टाइप करके एंटर प्रेस किया, फिर R टाइप करके एंटर प्रेस किया, फिर 4 टाइप करके एंटर प्रेस किया, यहाँ से ये, और फिर एंटर प्रेस किया, फिर एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर और कमांड से बाहर तो हम निकल ही चुके हैं इसमें। इसके बाद हम क्या करेंगे, M टाइप करके एंटर प्रेस, MI टाइप करके एंटर प्रेस किया मैंने, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, फिर एक क्लिक अंदाजे से यहाँ और फिर एक क्लिक सीधा नीचे, ऑर्थो ऑन होना चाहिए बस यहाँ, और एंटर। इसके बाद इसका सही प्लेसमेंट जो है वो कहाँ है, ये देखिए यहाँ से हम आएंगे और एक 50 mm की लाइन बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। एम टाइप करके एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और जूम किए से, इसका मिड पॉइंट देखिए ये है, मिड पॉइंट से उठा के इसके एंड पॉइंट पर रखना हमें इस तरह से। मतलब कहने का कि ये इस लाइन से, इस ओरिजिन का जो डिस्टेंस है ये 50 mm होना चाहिए, ये हमने यहाँ से ये ले लिया। अब हम यहाँ से रीजन करेंगे, REG टाइप किया, एंटर प्रेस किया और ये दोनों को रीजन कर दिया, एंटर प्रेस किया, ये ऐसे दिखाई देने लगे। अब हम क्या करेंगे कि एक हम सर्कल बनाते हैं, C टाइप करके एंटर प्रेस किया मैंने,
स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट मैंने क्लिक किया और 24 टाइप करके एंटर प्रेस किया। इसके बाद हम यहाँ से लाइन पर क्लिक करेंगे। इस लाइन को, लाइन से हम इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक ऊपर वाले क्वाड्रेंट पर क्लिक किया, एक नीचे वाले। अब टी आर टाइप करके डबल एंटर, इस हिस्से को हमने रिमूव कर दिया। अब यहाँ से एंटर दबा के बाहर निकले, आर ई जी एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ऐसे नज़र आने लगा। अब यहाँ से एम टाइप करके एंटर प्रेस किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फिर एंटर। इसके बाद ये है मिड पॉइंट, यहाँ से उठाया और इसके ये सेंटर पर यहाँ ऐसे रख दिया। अब यहाँ से हम होम पर क्लिक करेंगे, अननेम्ड पर क्लिक किया, डब्ल्यू सी एस। अब देखिए आर ई वी रिवॉल्व कमांड है, एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये दोनों को सेलेक्ट किया, एंटर। अब स्पेसिफाई एक्सेस स्टार्ट पॉइंट और डिफाइन एक्सेस बाई, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ और एंटर। तो ये हमारा इनर और आउटर रेस एक साथ बन गया। अब आर ई वी एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ और एंटर। तो ये बॉल भी बन गई हमारी एक साथ। ओके, ये तीनों कंपोनेंट्स बन गए। अब हमें बनाना है बॉल केज, ये ट्रिकी होने वाला है। अब यहाँ से हम टॉप पर जाएंगे, इसमें शेल कमांड हमें दिक्कत करती है, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। यहाँ से सेंटर रेडियस, सबसे सावधानी से बनाने वाला कंपोनेंट यही है जो हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं सेंटर रेडियस लिया है, सॉरी एस्केप दबाया, मैं यहाँ से ले लेता हूँ सेंटर डायमीटर, एक क्लिक यहाँ पे किया, डायमीटर है 188। फिर यहाँ से सेंटर डायमीटर ये ले लिया, इसको कर दिया हम, इसको कर देंगे 172। अब यहाँ से होम, होम के बाद डब्ल्यू सी एस। इसके बाद यहाँ से हम लेंगे प्रेस पुल। प्रेस पुल लेने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों सर्कल के बीच में कर्सर को लेकर जाएंगे। जब ये दोनों सर्कल एक साथ हाईलाइट होने लगेंगे तब क्लिक करेंगे यहाँ पर। अब नीचे की तरफ डायरेक्शन लेकर जाएंगे हम, कितना, 32 वैल्यू देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये रिंग टाइप का बन जाएगा। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आए। अब देखिए क्या करना है हमें, इस सर्कल को हमें मूव कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने लिया कॉपी कमांड यूज़ करेंगे, सर्कल, ये जो स्फीयर है, सॉरी ये सर्कल मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार, ये एक स्फीयर है, बॉल है, इसे सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। अब इसका हम, ये देखिए ये है सेंटर पॉइंट, यहाँ से ये सेंटर पॉइंट लिया और इसके ऊपर वाले सेंटर पॉइंट पर यहाँ, ये यहाँ प्लेस कर दिया हमने। एस्केप दबाया, बाहर निकला है। अब फिर इस बॉल पर क्लिक किया, ये देखिए ये एक्सिस नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक किया। अब इस डायरेक्शन में इसे लेकर जाएंगे, कितना, 90, और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए अपनी जगह पर आकर बैठ गया जहाँ हमें चाहिए था। अब हम एरे कमांड का यूज़ करेंगे, ए आर टाइप करके एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, दोबारा एंटर प्रेस किया, पोलर को सेलेक्ट किया। इस बार हम देखिए ये सर्कमफेरेंस पर आए तो ये सेंटर दिखा ऊपर वाला, इस पर क्लिक किया, देखिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ गए यहाँ पर। यहाँ पे हम लेंगे नंबर ऑफ आइटम्स पर 8 और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ से क्लोज एरे। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर इसे किया, इसे किया, सबको सेलेक्ट कर लिया मैंने एक साथ, और टाइप किया जी आर ओ यू पी, ये ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, देखिए एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए एक साथ सब सेलेक्ट हो जाएंगे ये, ठीक है। अब कमांड यूज़ करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, एस यू बी टी एंटर, छोटा मतलब ये जो रिंग है इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद ये बॉल को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखिए सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, इस तरह से हमें नज़र आएगा। ये दोनों सर्कल लिए, इन्हें सेलेक्ट सेलेक्ट करके इरेज कर देंगे हम। अब हम करते हैं बात फिलेट की, तो यहाँ से सॉलिड पर गए, फिलेट एजेस, और आर टाइप करके एंटर प्रेस किया, वैल्यू दी 4, फिर एंटर प्रेस किया। अब देखिए एक क्लिक यहाँ, ये देखिए शुरुआत में ही ये एज गलत सेलेक्ट हो गई, एस्केप दबाया, फिर फिलेट एजेस पर गए, वैल्यू हम दे चुके हैं, नहीं, एस्केप दबाया, बाहर निकले, फिलेट एजेस, आर एंटर, 4 एंटर, ठीक है। अब यहाँ से ये एज को सेलेक्ट किया, सही हुई एज सेलेक्ट, ये भी सही हो गई, एंटर को 2 बार दबाया, फिर से गए फिलेट एजेस पर, ये ऐसे, देखिए गलत हो गया, एस्केप दबाकर बाहर निकल आए। थोड़ा जूम कर लेते हैं, फिलेट एजेस, ये दो बार एंटर दबाया,
दोबारा एंटर दबाया। दोबारा एंटर दबाया। चाहे तो हम इसको मतलब एक साथ सारे सेलेक्ट करके भी दोबारा एंटर दबाया के आखिर में सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि मान लीजिए अगर एक भी एज आपकी गलत सेलेक्ट हो गई तो उसको अनसेलेक्ट करना या डिसेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जितना पहले का किया होगा वो भी चला जाएगा, इसी वजह से मैं एक एक करके देखिए बना रहा हूँ ये। यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए बचे हुए कॉर्नर्स जो हैं वो हम राउंड करेंगे। ये दोस्तों इसे हम फिर से शेल करने की कोशिश करते हैं। ये शेल जो है सबसे ट्रिकी है इसमें, अगर ये एक बार हो जाए तो फिर ये कंपोनेंट क्लियर हो जाता है हमारा। शेल पर क्लिक किया मैंने, देखिए इसे घुमाया, घुमाने के बाद मैं ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए मैंने ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, फिर उसके बाद इस सरफेस पर क्लिक किया, देखिए सेलेक्ट हो गई है, वाइट कलर से दिखाई देने लगी है। और इसके बाद इसे हम घुमाते हैं, घुमाने के बाद अब मैंने ये सरफेस पर क्लिक किया, उसके बाद इस सरफेस पर क्लिक किया। देखिए अब इजीली इस बार ये तीनों सरफेसेस सेलेक्ट हो गई। मैंने एंटर दबाया, एंटर दबाने के बाद शेल ऑफसेट डिस्टेंस जो है 3 टाइप करके एंटर प्रेस किया। अब देखते हैं ये रिजल्ट हमारे सामने क्या आता है इसको शेल करने के बाद। ये देखिए इस बार ये एस्केप दबाया बिल्कुल जैसा होना चाहिए, ये हमें नज़र आ रहा है। अब चलिए हमें इसमें होल करना है। होल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जाएंगे हम कहाँ, टॉप पर। टॉप पर जाने के बाद राइट क्लिक किया, पैरेलल किया, पैरेलल के बाद हम यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल का जो डायमीटर होगा, फिर से मैं बनाता हूँ इसको। यहाँ से सर्कल पर क्लिक किया, सेंटर डायमीटर पर क्लिक किया, फिर इसके बाद एक क्लिक इधर। अब जो इसका डायमीटर होगा वो होगा कितना, 180, सॉरी इसको इरेज करके फिर से बना रहा हूँ सर्कल में। ये सेंटर डायमीटर, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ये ले लिया, अब इसको ले लेंगे हम 180 है। इसके बाद यहाँ से सॉरी ये लाइन ली हमने, लाइन ये एक क्लिक इधर, ये एक लाइन बना ली। इसे अब हम रोटेट कर लेते हैं, आर ओ टाइप करके एंटर प्रेस किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, यहाँ से क्लिक किया। अब हमें टाइप करना है -22.5 और एंटर दबाना है। तो ये देखिए ये एग्जैक्टली जो हमें चाहिए थी लोकेशन वो मिल गई। अब यहाँ से सी टाइप करके एंटर प्रेस किया और ये इंटरसेक्शन पॉइंट पर क्लिक किया सेंटर, और यहाँ पे रेडियस की वैल्यू दी 4 और एंटर प्रेस किया। इसके बाद एम टाइप करके एंटर प्रेस किया, फिर इस ऑब्जेक्ट को मतलब सर्कल को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, फिर इसके बाद ये सेंटर पर क्लिक किया, फिर इसके बाद इसे हम घुमा लेंगे थोड़ा। अब ये फेस पर जाएंगे तो देखिए इसका सेंटर में ये ऊपर वाला शो हो जाएगा, ये यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल जेड, मैं अंडू करके वापस जा रहा हूँ। इस सर्कल को जो डायमीटर है वो 4 होना चाहिए, शायद हमने सेंटर डायमीटर सेंटर रेडियस ली, यहाँ क्लिक किया और वैल्यू दे दी 2, एंटर प्रेस किया। हाँ अब सही आएगा, ये एम टाइप करके एंटर प्रेस किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर और यहाँ से इसे मूव किया, थोड़ा सा घुमा लेते हैं इसे। इसके बाद ये फेस पर जाएंगे कर्सर को लेकर, ये देखिए 2 सेंटर दिखेंगे तो ऊपर वाले सेंटर पर क्लिक करेंगे ये इस तरह से। देखिए अब ये अपनी जगह पर आ गया। अब ये रेफरेंस जो हमने बनाया था इसे हटा देते हैं, यहाँ से हम ये ले लेते हैं क्या ऑब्जेक्ट, यहाँ से रियलिस्टिक को हटा के वायर फ्रेम में कर लेते हैं। अब ए आर एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, पोलर, और ये देखिए ऊपर वाला सर्कल लिया, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 8 एंटर और क्लोज। ये देखिए यहाँ से अब हम ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, सभी जितने भी सर्कल हमने बनाए सबको सेलेक्ट करेंगे, इन पर क्लिक करके देखिए वायर फ्रेम में आ जाने पर सिलेक्शन थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए।
देखिए सब सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट होने के बाद यहाँ से हम ले लेंगे क्या एक्सट्रूड, और नीचे की तरफ वैल्यू दे दी हमने कितनी 20, और एंटर प्रेस कर दिया। और यहाँ से अब ये रियलिस्टिक में आ गए, इस तरह से मैं नज़र आने लगा। ओके अब SUBT सब्ट्रैक्ट एंटर, केज को सेलेक्ट किया एंटर दबाया, इसके बाद एक एक करके इन सभी सिलेंडर्स को हम सेलेक्ट करेंगे। ज़रा घुमा के देख लेते हैं, एक ये रह गया है और एक ये रह गया है, ये सभी सेलेक्ट हो गया। अब एंटर दबाया, ये देखिए होल हो जाएगा। अब इसे इसकी जगह पर रखना है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले इसको यहाँ से एम एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, अब फिर से इसका ऊपर वाला जो फेस है यहाँ पर जाएंगे तो देखिए इसका सेंटर हमें नज़र आने लगेगा। ये यहाँ क्लिक किया और इसे ये जो ये एंड पॉइंट है यहाँ पर रख दिया। ये देखिए बिल्कुल ये बॉल इसमें जाकर ये सेट हो गई है अपने आप। ओके अब देखिए कितना इजीली ये बनेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टाइप करेंगे 3DMI एंटर, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को एंटर, और इसके बाद हम ये सेंटर पॉइंट जो है यहाँ क्लिक किया, एक क्लिक इधर किया और एक क्लिक ऐसे इधर कर दिया, बस ऑर्थोगोनल होना चाहिए, और एंटर दबा देंगे। ये देखिए इसी के ऊपर, इसी के ठीक ऊपर एक केज और आपको दिखाई देने लगा बिल्कुल जैसे ये। ओके देखिए बॉल इसके अंदर फिक्स हो गई है। अब हम एरे यूज़ करेंगे, AR एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यानी बॉल एंटर पोलर, और ये देखिए यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 8, और एंटर और क्लोज। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा हमने कितनी आसानी से इन सभी 3D ऑब्जेक्ट्स को बनाया, हालांकि काफ़ी ट्रिकी ऑब्जेक्ट्स थे ये, इनमें सबसे ज़्यादा जो थी शेप वो बॉल केज की थी। तो ये था असेंबली ऑफ बॉल बेयरिंग इन ऑटोकैड 3D। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।